शिव आज। ओम शांति। 12 अक्टूबर 2022। अभी पढ़ेंगे प्यारे प्यारे शिव बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए समय वेस्ट नहीं करना है। प्रश्न: जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: वह कभी भी झरमोई झगमुई में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह करते हुए भी रूहानी कमाई में समय लगाएंगे। सुबह उठकर बहुत बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे। याद से आत्मा उड़ती रहेगी। दूसरी पॉइंट: वह बाप समान रहमदिल बन अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम करेंगे। सबको बाप का परिचय देंगे। गीत है: तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत में माता पिता की महिमा सुनी। जैसे कोई घर में बच्चे रहते हैं तो माता पिता दादा होता है ना, दादे से वर्षा मिलता है बाप द्वारा, क्योंकि दादे की मिल्कियत बड़ों की मिल्कियत होती है, तो यह भी सबसे बड़ा है। दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है, बच्चों को तो पता है। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तो यह दादे के लिए शब्द है, तो उनका परिचय देना पड़े। चाहे सन्मुख हो, चाहे चित्रों द्वारा, चाहे प्रोजेक्टर द्वारा, तो दादे का परिचय देना बहुत जरूरी है। जिस्मानी दादा साकार होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में पहले कौन आया? दादा। बल प्रोजेक्टर द्वारा समझाओ, वह भी नंबरवार चित्र दिखाना है। पहले पहले परमपिता परमात्मा की समझानी देनी है। तो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, और फिर प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? तो पहले पहले शिव का चित्र दिखाना चाहिए, फिर लिखत जो प्रदर्शनी पर समझाते हैं वो मैगजीन भी बनाते हैं। तो पहले पहले परिचय देना है। गीता में लिखा हुआ है भगवान उवाच, तो पहले भगवान का परिचय देना चाहिए। तुम सब की बुद्धि चली गई है ऊपर, सबसे ऊंचा है परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर यहाँ आओ तो जैसे घर में माता पिता और दादा बैठे होते हैं, वह है हद का, यह है बेहद का। चित्र सहित सारी लिखते होनी चाहिए। फर्क भी बताना चाहिए कि अनेक मनुष्य हठयोग सिखाते आए हैं और एक परमात्मा राजयोग सिखाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिल रही है। यह है ही एक निराकार परमपिता परमात्मा शिव भगवान उवाच की बात। जैसे लौकिक माँ बाप दादा बच्चों की बुद्धि में याद पढ़ते हैं, हूबहू तुम्हारी बुद्धि में भी ऐसे है। यह सिर्फ पारलौकिक है, वह है लौकिक। तुमको निश्चय है कि यह शिव बाबा हमारा बाप है, तो उनको याद करना चाहिए। परंतु बच्चे भूल जाते हैं, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। वेस्ट टाइम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। आत्मा में खाद पड़ गई है तो लिखना चाहिए परमात्मा कौन है। परमात्मा के चित्र और श्री कृष्ण के चित्र पर घड़ी घड़ी समझाना चाहिए। स्वर्ग और नरक के गोले बड़े अच्छे मशहूर है। नरक के गोले पर लिख देना चाहिए कि यह है रावण राज्य, भ्रष्टाचारी दुनिया, और स्वर्ग के गोले पर लिखो कि यह श्रेष्ठाचारी दुनिया तो टाइम लिखना चाहिए। स्वर्ग इतना समय, नरक इतना समय। देखो चढ़ती कला उतरती कला का भी चित्र है, क्योंकि उतरती कला में 5000 वर्ष और चढ़ती कला 1 सेकंड में, तो यह जंप हो गया। यह मुख्य बात समझाने की है। फिर है विराट रूप, जिसमें ब्राह्मण चोटी ईश्वरीय संप्रदाय है। ब्रह्मा मुख द्वारा रचा हुआ तुम्हारा ब्राह्मण कुल मशहूर है, सर्वोत्तम है। तो सबको समझाने के लिए यह चित्र बहुत जरूरी है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है, वह भी अच्छा है। बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनना है तो चक्र का भी ज्ञान देना है कि चक्र कैसे फिरता है। ब्रह्मा सरस्वती का हीरो हीरोइन का पाठ कैसे होता है, तो गोले का भी चित्र बड़ा होना चाहिए। बहुत बहुत में बहुत 1-1.5 घंटा प्रोजेक्टर दिखाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य इन बातों में थक जाते हैं। स्टोरी तो कोई नहीं, यह तो ज्ञान की बात है। पहले जब लिखे तब अंदर में आ सके, तो दिखाने के लिए टिकट रखना चाहिए। पैसे वाली टिकट नहीं, परंतु
एंट्री पास हो। बड़े बड़े आदमियों का तो निमंत्रण दे बुलाना चाहिए, क्योंकि बड़ों बड़ों से ओपिनियन लिखाना है। झुंड के झुंड में कैसे लिखाएंगे और कैसे दिखाएंगे, क्योंकि समझाना भी है, इसलिए पहले पहले बड़े आदमियों को बुलाकर लिखाना है, फिर जनरल कर देना चाहिए। प्रदर्शनी में भी ऐसे, तो प्रोजेक्टर में भी ऐसे, मैगजीन में भी इन अच्छे अच्छे चित्रों को बनाकर साथ साथ समझाने लिखो, फिर किसी को प्रेजेंट दे देना चाहिए। हठयोग और राजयोग का कॉन्ट्रास्ट भी अच्छी तरह लिखाना चाहिए। हठयोग भी एक प्रकार की हिंसा है, क्योंकि शरीर को कष्ट देते, तकलीफ देते हैं। तुम्हारा यह है अहिंसक योग, जो अति सहज है। चलते फिरते बाप को याद करते रहो। हिंसक और अहिंसक को भी सिद्ध करना है। कई तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए क्रिया करते हैं, वो कोई फिर परमात्मा से नहीं मिलते हैं। हठयोग को भी योग कह देते हैं, योगाश्रम है ना। यह है फिर सहज राजयोग, ईश्वर का सिखाया हुआ योग। तो यह बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहिए। जिसका बुद्धि योग सारा दिन झरमुई झगमुई में होगा, वह क्या समझा सकेंगे। जिनकी बुद्धि में होगा कि सर्विस करनी है, वो करेंगे। 8 घंटा किया फिर यह कमाई करनी चाहिए। वह है जिस्मानी कमाई, यह है रूहानी कमाई। तो इस कमाई में बहुत ध्यान देना चाहिए, योग में बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। सुबह उठ बाप को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। जिनको बाप एक दो नंबर में रखते, वह भी याद नहीं करते हैं। भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु याद में नहीं रहते। आत्मा तो याद से उड़ेगी, ज्ञान से थोड़ी उड़ेगी। ज्ञान में भी याद से ही आते हैं, ज्ञान की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। ध्यान तो एक पाई पैसे की बात हो जाती है। कईयों को तो फट से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। कई बच्चियां लिखती है कि बाबा हमने आपको पहचाना है। वह ध्यान में ब्रह्मा को भी देखती है और प्रेरणा भी मिलती है। तो फिर उनको निश्चय हो जाता है, जिसने बाबा को कभी देखा भी नहीं, वह भी लिखती है हम बाबा को बहुत याद करते हैं। हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, आप तो जानते हैं। हम याद करते हैं, जब कहती है आप तो शिव बाबा भी याद आता है। तो बांधेली बच्चियां बहुत याद करती है, उतना सामने वाले भी याद नहीं करते। एक बात है याद की, फिर गांधी जी कहते थे कि राम राज्य हो, अभी तो रावण राज्य है। इस पर तुम समझा सकते हो, चढ़ती कला तो परमात्मा ही करा सकते हैं। बाकी तो सब एक दो को गिराते ही रहते हैं, देवताएं भी गिरते जाते हैं। भल सुख में है, सुख में ही है, परंतु कला तो कम होती जाती है ना, जू की तरह गिरते जाते हैं। क्योंकि ड्रामा भी जू की मिसल चलता ही रहता है। तो चढ़ती कला एक के ही द्वारा होती है। समझाने के लिए प्रोजेक्टर बहुत अच्छा है, सेंटर भी बहुत बढ़ते जाएंगे। बाबा कहते हैं हर एक भाषा में स्लाइड्स बनाते जाओ, परंतु काम करने वाला ऐसा कोई है नहीं। बाबा युक्ति तो बता देते हैं, परंतु काम करने वाला चाहिए तो सर्विस बहुत बढ़ सकती है। बच्चों को अपने भाई बहनों पर बहुत रहम करना चाहिए। बाबा रहम दिल है ना, मेरा आना भी भारत में होता है और जगह आना मेरा नहीं होता। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है, परंतु जानते नहीं है। समझो क्राइस्ट की जयंती मनाते हैं तो उनके कर्तव्य को जानते हैं, परंतु शिव का कर्तव्य नहीं जानते। वही पतित पावन है, भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से इतने बड़े तीर्थ भारत की महिमा गुम हो गई है। देखो मोहम्मद गजनबी ने मंदिर लूटा था, अगर उनको ये मालूम होता कि ये हमारे बाबा का मंदिर है तो लूटते थोड़ी है। अल्लाह के मंदिर को कोई लूटेगा, जिसने स्वर्ग की स्थापना की। अगर शिव बाबा को जाने तो कभी मंदिर को हाथ न लगाए। भल वह शिव को माथा टेकते हैं, परंतु जान गए तो कभी न लूटे। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से यह सब कुछ हुआ है। गीता खंडन होने से देखो क्या हाल हुआ है। अगर शिव का नाम होता कि वही गति सदगति दाता है, यह एक ही महिमा है। अगर वह न आता तो पावन कैसे बनते, भारत को कैसे स्वर्ग बना सकते। यह गुप्त बात है ना, जानते हैं हम दुर्गति में थे, अब यहाँ बैठे हैं, परंतु जा रहे हैं।
बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम अपने लिए राजा स्थापन कर रहे हैं, तो औरों को भी रास्ता दिखाकर प्रजा बनानी चाहिए, बड़ी मेहनत करनी चाहिए। है तो बहुत सहज, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, स्वर्ग को याद करो, यह है नरक। हम सो का अर्थ भी बाबा ने समझाया है, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, और कोई तो इन सब बातों को समझते नहीं हैं। तो विराट रूप में यह समझाना है कि हम सो देवता बनते हैं। अभी हम स्वर्ग में गए कि गए, बहुत लोग पूछते हैं कितनी देरी है। बाबा कहते तुम अब तैयार कहाँ हुए हो जो स्वर्ग में जा सको। ड्रामा तो बना हुआ है, जितनी जितनी स्थापना होती जा रही है तो विनाश ज्वाला भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। धर्मों में झगड़ा शुरू होता जा रहा है, पहले पार्टीशन थोड़े था, तुम जानते हो पहले एक देवता धर्म था, गीत है ना, आप मिले तो हम स्वर्ग का राज्य योग बल से ले रहे हैं, बाहुबल से कोई ले नहीं सकता, उनके पास बाहुबल है। रशिया अमेरिका आपस में मिल जाए तो सारा राज्य ले सकते, परंतु ऐसा होता नहीं है। जब देवताओं का राज्य है तो वहाँ क्रिश्चियन बौद्ध नहीं होते। अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है, भारत अविनाशी खंड है, बाप भी यहाँ आए हैं ना। ड्रामा में ऐसा ही है कि योग बल से राजाएं मिलती है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु योग सिखाया किसने और कैसे वह नहीं जानते। श्री कृष्ण ने तो योग नहीं सिखाया, परमपिता परमात्मा ही योग सिखलाते, परमपिता परमात्मा ने ही योग सिखला रहे हैं। यह कितनी अटपटी बात है जो बुद्धि से खिसक जाती है, कई तो जानते भी छोड़ देते हैं। तब बाप कहते समझदार देखना हो तो यहाँ देखो, समझदार वसा लेते हैं, बेसमझ छोड़ देते, स्वर्ग का वर्षा गवा देते। महान मूर्ख महान सुजान देखना हो तो यहाँ देखो, स्वर्ग में वह भी जाएंगे परंतु प्रजा में जाएंगे। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी प्रजा कैसे बनती है, बाप की गोद यहाँ मिलती है, मूल वतन में गोद का हिसाब नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है तो गुरु की गोद में देते हैं, समझते हैं गुरु की गोद में नहीं गया तो दुर्गति को पाएगा। छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं, गुरु बिगर गति नहीं, ये गुरुओं ने समझाया है। पता नहीं कब शरीर छूट जाए, वहाँ तो जन्म ले फिर गुरु के पास जाते हैं, या तीनों कंबाइंड है। यह कोई शास्त्रों में लिखा नहीं है कि वही बाप टीचर गुरु की गोद है। बाप ने पूछा शिव बाबा को बाप है, कहते हैं हाँ। अच्छा, शिव बाबा को टीचर है, गुरु है नहीं, सिर्फ माँ बाप मिलते हैं, यह गुही है, हिसाब है। बच्चे बाप पर बलिहार जाते हैं, लौकिक में बच्चे बाप पर बलिहार नहीं जाते हैं, बाप जाते हैं। तो यह समझने की बात है कि बरोबर परमात्मा बाप टीचर सदगुरु है, उनसे वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, हम ब्राह्मण चोटी है, ईश्वरीय संप्रदाय के है, इस नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट, अपना समय बाप की याद में सफल करना है, रूहानी सर्विस में बिजी रहना है, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। वरदान, एकर स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं, वे कोई न कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी बच्चों का आसन है एकर स्थिति, फरिश्ता स्थिति, इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठा दो और जितना समय चाहो जब चाहो आसन पर बैठ जाओ। इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य में राज्य का सिंहासन प्राप्त होता है। स्लोगन है, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व का सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। अच्छा,
ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू।